नमस्कार दोस्तों, डिस्काउंट कार्ड से सावधान। वीडियो को पूरा जरूर सुनना, आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है। डिस्काउंट कार्ड के नाम से आपको कोई भी कॉल करेगा और आपको कुछ अच्छे प्रलोभन देंगे और आप उसके झांसे में आ सकते हैं। यदि आपका वीडियो देखा हुआ होगा तो आप सावधान रहेंगे। मैं अब रिकॉर्डिंग लगाता हूं, लेकिन उसको जरूर पूरा का पूरा सुने। हेलो, हाँ जी, हेलो मिस्टर देवाराम। हाँ जी, देवा जी, वेरी हेल्दी गुड आफ्टरनून, दिस साइड ऋतिक कॉलिंग फ्रॉम डिवाइन डील्स। एक्चुअली एज यू आर होल्डिंग इन आरबीएल बैंक क्रेडिट कार्ड। हाँ जी, दिस कॉल इज रिगार्डिंग टू प्रोफाइल मिस्टर देवा। एक्चुअली आप जो अपना आरबीएल बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं ना देवाराज, आपकी अच्छी गुड प्रोफाइल पर आपको नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज में मैनेजमेंट के थ्रू ना एक कुरियर रिसीव होने वाला है। Okay. जिसके अंदर आपकी प्रोफाइल की कुछ वेलकम सर्विसेज एंड 5 बेनिफिट आपको रिसीव रहेंगे। ओके ओके, तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा देवाराम जी की कुरियर बॉय को कोई भी अपना एक आईडी प्रूफ दिखा करके कुरियर को रिसीव कर लीजिएगा। ओके ओके, एंड कुरियर के अंदर 5 बेनिफिट आएंगे तो मैं आपको 1 by 1 करके क्लियर भी कर देता हूँ क्या है एंड आप उन्हें कैसे यूज करेंगे। ओके जी, तो अभी आपसे बात करने का तो कन्वीनियंट टाइम है ना सर देवाराम जी। हाँ जी, ओके देवाराम जी, नाउ द फर्स्ट बेनिफिट इन योर वेलकम, आपके नाम पर ना एक नया कार्ड इशू करके दिया जा रहा है। तो टेंशन मत लीजिएगा, ये किसी भी तरह का कोई क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड नहीं होगा देवाराम जी। ओके, क्योंकि ऑलरेडी आप यूज करते हैं आरबीएल बैंक का, राइट सर? ये उसी के जैसे ना एक सेपरेट मनी सेविंग डिस्काउंट कार्ड रहेगा। अच्छा। जैसे पहले कभी आप मार्केट वगैरह जाते थे तो आपको रेगुलर बेसिस पे किसी भी तरीके का कोई भी डिस्काउंट नहीं दिया जाता था, अमर राइट? लेकिन अब आने वाले 1 साल में मिस्टर देवाराम जी, आप कुछ भी शॉपिंग परचेजिंग इवनली किसी भी तरह की डाइनिंग करते हैं, आपको ऑन द स्पॉट 5-20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, वैसे ज्यादातर शॉपिंग वगैरह कैसे करते हैं सर, अपना कार्ड या कैश? कार्ड। कार्ड तो मंथली एक्सपेंसिव आपका 10-15 हजार का हो जाता होगा देवाराम जी, आराम से। तो ओके देवाराम जी, इस कार्ड का आप यूज कैसे करेंगे? लाइक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप अपने घर के नियर बाय एक शॉप में गए, आपने वहाँ 10 हजार का ग्रोसरी परचेज किया, आपको क्या करना होता है देवाराम जी, पेमेंट करने से पहले डिस्काउंट कार्ड का जो वाउचर कोड है वो शॉपकीपर को शो करना है। अब आपको उस पर 18% का डिस्काउंट मिला, तो 10,000 का 18%, ये कुछ आपका रहेगा देवाराम जी 1800 रूपए, राइट? ये आपका ऑन द स्पॉट ना माइनस हो जाएगा, मतलब 1800 रूपए आपकी ऑन द स्पॉट सेविंग रहेगी, जो बिल निकल कर आएगा वो रहेगा 8200 रूपए। अच्छा। वो आपको पे करके आना है, वो चाहे तो आप अपने किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या कैश, पेटीएम, फोन पे से कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करेगा जैसे आप कंफर्टेबल है। ओके, बट देवाराम जी, कार्ड की 2 कंडीशन रहेगी जो कि आपको फॉलो करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो कार्ड रहेगा आपका गवर्नमेंट सेक्टर पे नहीं चलेगा। अच्छा। गोल्ड, पेट्रोल एंड डीजल। ओके ओके, वहाँ पर नहीं चलेगा तो वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं रहेगा। सेकेंड, ये जो बाकी ऑनलाइन, ऑफलाइन, लोकल आउटलेट, हर एक चीज पर एप्लीकेबल रहेगा। ओके ओके, नाउ द सेकेंड बेनिफिट जो आपको कुरियर में ही रिसीव रहेगा सर, उसमें आपके लिए एक यूसीबी की तरफ से कॉम्बो दिया गया, यूनाइटेड कलर ऑफ बेनेटन का, जिसके अंदर आपके लिए एक रिस्ट वॉच, लेदर का बेल्ट एंड लेदर का वॉलेट रहेगा विद 6 मंथ की वारंटी के साथ। ओके, नाउ द थर्ड बेनिफिट जो आपको कुरियर में ही रिसीव रहेगा, उसमें आपकी फैमिली की हेल्थ को देखते हुए आपको एक थायरोकेयर की तरफ से मेडिकल चेकअप वाउचर आ रहा है, जिसके अंदर आपके लिपिड प्रोफाइल के सारे चेकअप कवर रहेंगे, राइट सर? तो ये ऐसा इतना सारा मुझे क्यों दे रहे हैं ये सर? ये आपकी अच्छी गुड प्रोफाइल पर आपको आ रहा है। अच्छा, जैसे कि थायरोकेयर का मेडिकल चेकअप वाउचर बताया, फैमिली का कोई भी एक मेंबर रिडीम कर सकता है। इसकी जो वैलिडिटी भी रहेगी वो भी 6 मंथ के, मतलब 6 महीने के अंदर कोई भी एज ग्रुप का करा सकता है। ओके ओके, वैसे आर यू मैरिड, सिंगल सर? देवराज मैरिड, अभी मैरिड। बच्चे भी होंगे सर देवराज सर? हाँ जी। कितने? 3। तो देवाराम जी, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि इसमें कोई भी एज ग्रुप का मेंबर चेकअप करा सकते, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके ओके देवाराम जी, नाउ द मेगा बेनिफिट जो था, ये इस साल का मेगा बेनिफिट है। okay. जो कि आपके एंटायर फैमिली की हैप्पीनेस को देखते हुए आपको मैनेजमेंट के थ्रू ना सर 3 दिन 2 रात, जैसे कि स्क्रीन के आगे देख पा रहा हूँ सर, 3 दिन 2 रात
अगेन 3 दिन 2 रात के इंडिया में डोमेस्टिक टूर दिए गए हैं पेड। अच्छा ओके okay. अच्छा जिसके अंदर आप अपनी फैमिली के टोटल 4 लोग ले जा सकते हैं, 2 okay. बड़े 2 okay. बच्चे okay. बच्चे जो जाएंगे ना सर वो 8 साल की एज तक के जाएंगे। अच्छा जाने से 15 दिन पहले आपको हमारी डिवाइन डेल्स हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बताना पड़ेगा तो आपकी जो बुकिंग है वो कंफर्म कर दी जाएगी। ओके ओके उस टाइम पर देवाराम जी आपको एक 499 का हैंडलिंग चार्ज पे करना पड़ेगा। ओके उस समय और इसे हाँ जब भी हॉलीडे पे जाएंगे जब ओके ओके और इसी के साथ में हमने आपको घूमने के लिए इंडिया की 76 डेस्टिनेशन दी हुई है लाइक जैसे अपना गोवा ऊटी शिमला मनाली तिरुपति बालाजी महाबलेश्वर मुन्नार जिसके अंदर आपके चारों जोन कवर रहेंगे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके और इसी के साथ में जो आपको रहने रुकने की प्रॉपर्टीज दी गई है वो आपकी 3-star and 4-star प्रॉपर्टीज एंड रिसोर्सेज रहेंगे। यहाँ पर आपका जितना भी खर्चा होगा चाहे वो खर्चा 20,000 का हो या 30,000 का हो दोनों बारी का खर्चा पेड रहेगा, आपको पे नहीं करना। लाइक होटल में चेक इन से लेके चेकआउट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट और होटल के अंदर इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज होती है ना अपना लाइक जिम स्पा स्विमिंग पूल डीजे नाइट बॉनफायर मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट रहेगा वेज इन नॉन वेज इंक्लूडिंग बफे सिस्टम। ओके सर तो ऐसे ऑल टैक्सेस तक सारे खर्चे आपके पेड रहेंगे अकोमोडेशन तो जिसका कोई चार्ज आपको पे नहीं करना सर दोनों बारी। बट इसमें जो ट्रेवलिंग पार्ट रहता है ना सर वो आप ही का रहेगा देवराम जी दोनों बार। अच्छा ठीक है ओके ट्रेवलिंग पार्ट आपका रहेगा। वैसे साल भर में एक आधी बार हॉलीडे प्लान करते होंगे। लास्ट टाइम हॉलीडेज पर कहाँ गए थे सर? मैं गया था माउंट आबू। माउंट आबू मतलब सर फैमिली फैमिली के साथ गए थे फ्रेंड सर्कल में सर? नहीं नहीं फैमिली के साथ। तो वहाँ मतलब कितना खर्चा आ गया था माउंट आबू में? आ गया करीबन 8-9 हजार के आसपास। क्योंकि मैंने इसलिए पूछा इस बार ही आगे ना माउंट आबू या कहीं भी जाते हैं सर अपने ऑल ओवर नियर बाय बेस्ट लोकेशन पे भी अहमदाबाद के तो जितना भी खर्चा रहेगा वो पेड रहेगा। ओके ओके हाँ अभी जैसे सर देवाराम जी मैंने आपको 4 बेनिफिट बताए आई हैव टॉल पॉप बेनिफिट डिस्काउंट कार्ड सेकेंड एक यूसीबी का किट बेल्ट वॉलेट वॉच का थर्ड पर आपको एक थायरोकेयर का मेडिकल चेकअप वाउचर एंड फोर्थ पर आपके 2 बारी के पेड वेकेशन राइट सर। ओके तो ये कंप्लीट पैकेज आपको रिसीव होगा नेक्स्ट एंड 7 working days में। ओके देवाराम सर ओके ठीक और देवाराम जी जैसे कि मैं अपनी स्क्रीन के आगे चेकआउट भी कर पा रहा हूँ इस पूरे पैकेज की जो इंडिया में मार्केट वर्थ होती है वो 32,000 की होती है। लेकिन आपको कांग्रेस करना चाहूंगा आपको इतना हैवी अमाउंट पे नहीं करना होता क्योंकि मैनेजमेंट ऑलरेडी आपके ब्याह पर पेड करके रखे राइट। ओके लेकिन अगर आपका बैंक आपको ऑथराइज करता है देवाराम जी तो आपको अपनी साइड से एक 1-time कट टैक्सेबल अमाउंट ही पे करना होता है डेट विल बी 9,990 रुपए इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। अभी पेमेंट करना पड़ेगा क्या कह रहे सर? 9,990 रुपए क्या हुआ मतलब इसका पेमेंट करना पड़ेगा ये कंपनी ने पेमेंट कर दिया है? नहीं नहीं सर ये 9,990 का पेमेंट होता है जो कि आपको पे करना होता। अच्छा पूरे पैकेज का 1-time का टैक्सेबल अमाउंट। ओके चाहे तो आप इसे 1-time में पे कर सकते हैं नहीं तो आपकी अच्छी गुड प्रोफाइल पर देवाराम जी आपको आरबीएल बैंक 3 महीने का ईएमआई इजेबल करके देता है जो कि आपका नो कॉस्ट होता है। नहीं तो अभी तो आप बोल रहे थे ना ये फिर सब फ्री ऑफ कॉस्ट में है इतनी देर आपने टाइम लिया और सब फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहे थे अब आप पेमेंट मांग रहे हो? नहीं नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री है लेकिन अभी मेरी स्किन के आगे जो आया मैंने आपको बताया ये पूरे पैकेज का है। Okay. और इसके लिए भी इनकम्फर्टेबल मत होइए देवाराम जी अगर पेमेंट को लेकर इश्यूज हो रहे हैं ना तो उसके लिए इनकम्फर्टेबल मत होइए क्योंकि ये जो 9,990 का पेमेंट बताया है ना सर ये बताया जरूर है लेकिन आपको अपनी सैलरी सेविंग से निकाल के पे नहीं करना। अच्छा। क्योंकि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी इसके लिए आपको एक डिस्काउंट कार्ड और 3 महीने का ईएमआई इजेबल करके देता है। अगर देवाराम जी इस पेमेंट पे आप 3 महीने का ईएमआई कन्वर्ट करते हैं ना तो उसमें आपके होते हैं 2 फायदे। पहला फायदा ये जो ईएमआई आपका नो कॉस्ट है सेकंड जो ईएमआई का अमाउंट बनेगा ना 3,330 रुपए का उसको पे करने के लिए सैलरी सेविंग में हाथ नहीं डालना। अभी जैसे आपने मेरे को बताया देवाराम जी आपका कार्ड और कैश मिलाकर के 10-15 हजार का खर्चा होता है घर का राशन खाने पीने की चीजें दवाइयाँ कॉस्मेटिक या आपके अपने लाइफ स्टाइल पर। लेकिन देवाराम जी जो भी खर्चा आप करते हैं उसमें से आपका एक सिंगल पैसा भी सेफ नहीं हो पाता एम आई राइट? लेकिन देवाराम जी अब से ऐसा नहीं होगा अब से आप जो भी खर्चा करेंगे ना उस पर हमारा ये डिस्काउंट कार्ड हर महीने आपको 2-3 हजार रुपए बचा के देगा।
ओके ये पेमेंट कैसे करना है? ये पेमेंट सर आपको अपने बैंक ऑनलाइन पेमेंट करना होता है। अच्छा कार्ड आएगा उस वहाँ दे देंगे तो? नहीं नहीं सर, ये आज आपके कार्ड से चार्ज होता है, आज इसका बिलिंग होता है। अच्छा, क्योंकि आपको अपने आरबीएल बैंक के पेमेंट गेटवे पे खुद ही सेल्फ पेमेंट करना होता है, कोई कार्ड डिटेल वगैरह नहीं करना। ओके ओके, पहले समझिए सर, ठीक है राइट सर, तो हर महीना आपको 2 से 3 हज़ार रूपए बचा। वो समझ गया, ये सब आपने बताया था ना पहले। हाँ नहीं मैं भी सर, तो पहले के 3 महीने आप जो भी पैसा बचाएंगे ना देवराज जी, वो चला जाएगा आपका सीधा सीधा ईएमआई में राइट, और चौथे महीने से आप जो भी पैसा सेव करेंगे वो सीधा सीधा आपकी पॉकेट में सेफ होने वाला है। क्योंकि कार्ड को यूज करने के लिए ना देवराज जी, आपको अपने अहमदाबाद सिटी के सबसे बड़े वाले मॉल, बड़ी बड़ी दुकानों पर या जहाँ पर क्रेडिट कार्ड स्वाइप की फैसिलिटी होती है ना, वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली जहाँ से भी अपनी फैमिली का खर्चा करते हैं, वो चाहे आपका लोकल आउटलेट हो, ऑनलाइन हो या ब्रांड हो, ये कार्ड आपका वहीं पर एक्सेप्टेबल रहेगा। अच्छा। क्योंकि मैनेजमेंट ने आप ही की सिटी के ना 1200 से ज्यादा लोकल ब्रांड दिए सर, जिसमें कभी फैमिली के साथ आप विजिट भी करते हो, जैसे अपना बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट, रिलायंस। ठीक है, वो समझ गया, अब आगे क्या करना है सर? आगे इसका बिलिंग होता है। बिलिंग मतलब क्या, पेमेंट कैसे होगा? बताया सर, ऑनलाइन पेमेंट होता है, आप जाके कार्ड से चार्ज होता है। ओके, तो आप ऑटोमेटिक ही कार्ड लोगे? नहीं नहीं, ये सर आपको अपनी हमारी साइड से आपको आरबीएल बैंक का पेमेंट गेटवे आता है ऑफिशियल, जो कि आपके आरबीएल बैंक का, आपको उस पर जाकर के खुद सेल्फ पेमेंट करना होता है। अगर आपको ईएमआई करना है तो उस पर ईएमआई सिलेक्शन भी होते हैं, आप उसे ईएमआई में भी कन्वर्ट कर दें। ओके, कहाँ आएगा वो? वो सर आप ही के नंबर पर आता है। तो ठीक है, भेज दोगे आप? मैं कर दूंगा। नहीं भेज तो मैं दूंगा सर, लेकिन आपको मैं लाइन पे ही रहूंगा, क्योंकि मेरे को आपको ईएमआई के रेफरेंसेज आईडी और इस पूरे पैकेज के रिगार्डिंग तो डेडिकेट हेल्पलाइन नंबर दिए जाते हैं। ओके, तो अगर आपको सारी चीजें क्लियर है सर, तो मैं आपको फिफ्थ बेनिफिट भी क्लियर कर देता हूँ सर, कि वो कैसे मिलेगा। कि फिफ्थ जो बेनिफिट आपको आ रहा है, वो सेम पेमेंट में से ना 2000 रुपए का कैशबैक दिया गया है। जैसे मैंने बताया, जब भी आप हॉलीडेज वगैरह पर जाएंगे तो होटल के अंदर आपका सारा खर्चा पेड है, लेकिन आप होटल के अंदर लंच डिनर करते हैं या होटल के बाहर जाकर के फोटो सेशन के दौरान कुछ भी एक्स्ट्रा फूडिंग करते हैं, तो उनके जो बिल होते हैं उन्हें फाड़िएगा मत, लेकर आइएगा और मेल आईडी पे सबमिट कर दीजिएगा। हम आपको 2000 रुपए का रिफंडेबल कर देते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल रहते हैं ऑन द स्पॉट। ओके ओके, तो अभी जैसे कि आप कह रहे हैं, आपको सारी जानकारी क्लियर है राइट सर? तो नए कार्ड एंड न्यू वाउचर जो इनका नाम सेम है सर, मिश्रा देवा, DEVA RAM। कुरियर जो आ रहे हैं उसे बिलिंग वाले एड्रेस पे ही लेंगे जहाँ पर कार्ड रिसीव हुआ था। हाँ जी, बाकी पेमेंट जैसे कि बताया मैंने 9,900 रुपए का वन टाइम में कंफर्टेबल नहीं है, कि जो ईएमआई बताया नो कॉस्ट 3,330 रुपए का, उसमें कन्वीनियंट। हाँ जी, किसमें कंफर्टेबल लगे सर? ईएमआई में। तो ईएमआई आपका सर 3 महीने का बनेगा 3,330 रुपए का राइट? ओके। अभी मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा देवर एम जी, अभी जो आपकी कॉल होती है उसे बिलिंग टीम में ट्रांसफर करूंगा, जहाँ पर आपको इस ईएमआई के रेफरेंसेज आईडी और इस पूरे पैकेज के रिगार्डिंग जो डेडिकेट हेल्पलाइन नंबर दिए जाते हैं, जहाँ पर मंडे टू सैटरडे सुबह 10 से शाम 6 बजे तक आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है। ओके ओके, तो 10 सेकंड के लिए बी ऑन द लाइन सर। आठ इंची का मिलेगा। हेलो। हाँ जी, मिस्टर देवाराम जी। हाँ जी देवाराम जी, गुड आफ्टरनून, दिस साइड दीपक अग्रवाल एज अ बिलिंग मैनेजर। हाँ जी, हाउ आर यू? हाँ जी, बढ़िया। देवाराम जी, भी जस्ट आपकी बात हुई है हमारे एडवाइजर्स के साथ में रिगार्डिंग सम बेनिफिट। हाँ जी, सो ही टोल्ड यू टोटल 5 बेनिफिट सर, एवरीथिंग इज वेरी मच क्लियर टू यू? हाँ जी जी, टोटल 5 बेनिफिट हैं जो उन्होंने देवाराम जी बताए हैं आपको। पहला बेनिफिट जो उन्होंने बताया है वो डिस्काउंट कार्ड बताया था। आपको 5 to 20% का डिस्काउंट दिलाएगा। वो ठीक है, बता दिया, आगे क्या करना है? सर, बट जो कॉल है वो रिकॉर्डेबल है फॉर द क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पस,
तो आई नो उन्होंने आपको सब बता दिया है, बट मुझे एक छोटा सा रिकैप देना होता है विद कंडीशन, ओके बताइए, ताकि आपको और उनके बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन गैप ना रहा हो। ओके जी, द कार्ड विच वी आर प्रोवाइडिंग यू सर इट्स नॉट वैलिडेट ऑन गवर्नमेंट सेक्टर लाइक पेट्रोल डीजल एंड गोल्ड। ओके, वैलिडिटी 1 ईयर है तो कार्ड का 1 साल तक आप अनलिमिटेड यूज कर सकते। ओके, सेकेंड बेनिफिट में आपको एक कॉम्बो पैक आएगा विच इज प्रोवाइडेड बाय यूसीबी, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन। ओके, इसमें आपको एक रिस्ट वॉच, वॉलेट और एक बेल्ट आपको रिसीव। ओके, एक हेल्थ चेकअप का वाउचर आएगा, 6 मंथ की वैलिडिटी है इसकी। फैमिली का कोई भी एक मेंबर इसे यूज कर सकता है। ओके, बाकी 2 हॉलीडे आएंगे, 3 दिन 2 रात के। ओके, फ्रॉम डिवाइन डील्स कंपनी। ओके, इसकी 2 कंडीशंस है। ओके, जाने से आपको 15 दिन पहले बताना है। ओके, और बुकिंग के टाइम पे आपको 499 रुपीज पे करना होगा, 499। ओके, बाकी जो होटल का एक्सपेंडिचर होगा वो टोटली पेड होगा। ओके, इज इट क्लियर? ओके, या पैकेज के रिगार्डिंग आपको जस्ट एक 1 टाइम पेमेंट करना है 9,990। हाँ जी, 9,990 इंक्लूडिंग टैक्सी, जिसमें से आपको 2,000 का कैशबैक आएगा। ओके, कैशबैक कैसे आएगा मालूम है आपको? हाँ, जैसे कि आप कहीं भी हॉलीडेज पे जाते हैं, हॉलीडेज के दौरान आप खुद भी फूडिंग कर सकते हो। फूडिंग बिल्स लाके हमारी मेल आईडी पर मेल कीजिएगा, आपको 1,000 ईच हॉलीडे, 1,000 ईच हॉलीडे आपको रिफंड हो जाएगा। ओके, ये सब आरबीएल में ही करना है ना मेल? नहीं सर, ये जो सर्विसेज भी, ये जो हॉलीडे हैं डिवाइन डील्स की तरफ से हैं। अच्छा, हॉलीडे? अच्छा, तो आपको जो हॉलीडे आएंगे वो डिवाइन डील्स से हैं। ओके, तो आपको डिवाइन डील्स ही कैशबैक प्रोवाइड करेगा आपकी हॉलीडेज से। ओके, तो इसलिए आपको मेल भी डिवाइन डील्स को करना होगा। ओके, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो पेमेंट रहेगा 9,990 का, ये टोटल अमाउंट आपके क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन चार्ज होगा और आपके क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट में लग के आएगा। ओके, ओके, अभी क्लियर हो चुकी है जानकारी? हाँ जी, इस टोटल पेमेंट पे आपने ईएमआई मांगा है 3 महीने का। हाँ जी, तो ईएमआई जो है वो 3,330 का रहेगा। ओके, आपके डिस्काउंट कार्ड हॉलीडे वेकेशन के नाम सेम रहेगा देवाराम। देवाराम जी, आपकी परमिशन के साथ मैं आपको बिलिंग के लिए प्रोसीड कर सकता हूँ? हाँ जी, जस्ट वेट, कुड यू प्लीज टेल मी योर मेल आईडी? devaram1092@gmail.com। devaram1092@gmail.com। ठीक है, सो आई एम कॉन्ग्रेचुलेटिंग टू यू सर, मैंने आपको सक्सेसफुली बिलिंग के लिए प्रोसीड किया है देवाराम जी। ओके, आपका जो बिलिंग का प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा। ओके, आपको मैनेजमेंट के थ्रू लेजर पे का वेरीफाइड इनवॉइस आएगा, जिसके थ्रू जो अपना बिलिंग है वो सेल्स आप प्रोसीड करेंगे। ओके, ऑनलाइन? ओके, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं वीडियो कार्ड? हाँ, लाइक फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा वगैरह पे? हाँ जी, हाँ, तो जैसे कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं सेम एज इट इज आपको करना रहेगा। ओके, ओके, एंड टेल मी वन थिंग देवा सर, अभी आप आरबीएल बैंक के अलावा दूसरे और कौन से बैंक का कार्ड यूज करो? एक ही करता हूँ। एक ही आप आरबीएल बैंक का ही कार्ड यूज करो? नो इशू, बिकॉज जो डिस्काउंट कार्ड आपको दिया गया है ना सर, ये आपका हर एक मोड ऑफ कार्ड के साथ में एप्लीकेबल रहेगा। ओके, जैसे कि आप मान लीजिए कभी किसी और बैंक के कार्ड से शॉपिंग करते हैं, तो आप इस कार्ड के थ्रू किसी और बैंक के कार्ड के साथ भी इस कार्ड को यूज कर। क्लियर है आपका? ठीक है, आप अपने फोन को 1 मिनट के लिए आप स्पीकर पे ले लीजिए, लाउड स्पीकर पे। आपको एक पेमेंट के रिलेटेड पेमेंट लिंक आया होगा इन द नेम ऑफ लेजर पे, आर जेड आर पे। कहाँ आएगा? मैसेज आएगा? मैसेज आएगा, मैसेज एंड मेल दोनों आएगा सर। ओके, इन द नेम ऑफ डिवाइन डील्स लेजर पे। हैव यू गॉट पेमेंट चेक? हाँ जी, पेमेंट चेक कीजिएगा, कितना आया उसमें? 9,700 एंड बताया गया था 9,990। 290 रुपीज आपके विद ऑफ किए गए हैं ईएमआई के रिकॉर्ड। ओके, लिंक ओपन कर लीजिए, चालू रखिए। Have you opened it now? हाँ जी, अभी क्या शो कर रहा है सामने? पेमेंट रिक्वेस्ट की है डिवाइन डील ने।
दीवान जी से, उसके नीचे ऑप्शन आ रहा होगा प्रोसीड टू पे, हाँ जी, या उस पर आप क्लिक करिए। प्रोसीड टू पे पे क्लिक करने के बाद ना ईएमआई ऑप्शंस को सेलेक्ट कीजिएगा। ओके, अभी क्या आ रहा है सर? ये पूरे दिन में आपके कितने मुर्गे पड़ जाते होंगे? सर देखिए, मुर्गे तो नहीं मालूम, बिकॉज आई एम नॉट नॉन वेजिटेरियन। अच्छा अच्छा, एंड अगर कोई डाउट है एंड कंफ्यूजन है तो क्लियर कर लीजिए मुझसे। अच्छा, कोई डाउट आ रहा है किसी चीज को लेकर? बाकी आप भगवान की दया से सर सही कर रहे हो ना? नहीं, क्योंकि आज की डेट में अगर आपको ये डाउट आ रहा है द पेमेंट विच यू आर डूइंग दिस इज सिक्योर और नॉट, और ऐसा अगर आप वेरीफाई करने के लिए कर रहे हैं, तो पहली चीज तो जो ये पेमेंट लिंक आया है जो SMS आया है फ्रॉम रेजर पे। ओके, आप जानते हैं रेजर पे के बारे में? नहीं। आप जो RBL कार्ड का पेमेंट करते हैं एप्लीकेशन के थ्रू करते हैं या फिर आप ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइक स्पीड वगैरह से करते हैं? थर्ड पार्टी ऐप से ही होता है। RBL कार्ड की ऐप से करते हैं? नहीं, RBL कार्ड की जब ऐप से आप पेमेंट करते हैं तो वहाँ पर पेमेंट करने के चार ऑप्शन आते हैं, देखें आपने। हाँ जी, क्या क्या ऑप्शन आते हैं? गेटवे होता है वो, तो अब जो भी गेटवे रहता है वो गेटवे सेलेक्ट करना पड़ता है, और क्या है? गेटवे कौन कौन से गेटवे होते हैं, वही तो कह रहा हूँ। हाँ, ये भी रहता होगा जो अभी आपने भेजा है, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है UPI है, CCAvenue होता है, नेट बैंकिंग होता है, रोजर पे होता है। तो पहली चीज तो जो लिंक है जहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हैं इज इट फ्रॉम रेजर पे, राइट है। सेकंड थिंग इज, कभी भी अगर आपको आपके RBL कार्ड पे EMI कन्वर्ट करना होता है, ओके, आप किसे कॉन्टेक्ट करते हैं, कहाँ पे जाके कन्वर्ट करते हैं? RBL को, बैंक या बैंक के आउटसाइड मर्चेंट्स, हाँ जी, राइट है। और जो लोग मुर्गे काटते हैं वो EMI में नहीं काटते हैं, हाँ जी, वो एक बार में ही काटते हैं। नहीं, वो तो EMI होगी ना, वो तो बैंक की होगी, आपको तो मिल ही जाएगा पूरा का पूरा। नहीं नहीं नहीं, अब एक छोटी सी बात बोलूँ आपको, तो हाँ जी, आपको जो EMI है वो RBL ऐप में जाकर नहीं करवानी है, RBL को कॉल करके नहीं करवानी, कोई इशू नहीं। अभी जब प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे से भी सेलेक्ट होता है EMI, वो तो पेमेंट गेटवे सेलेक्ट होता है। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, पेमेंट गेटवे सेलेक्ट होता है। अगर वो EMI पेमेंट गेटवे सेलेक्ट हो रहा है, इट मीन्स बैंक के ऑथराइजेशन पे वो पेमेंट गेटवे है। तो अगर वो बैंक के ऑथराइजेशन पेमेंट गेटवे, नहीं सुन लीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं, जो फ्रॉड होते हैं वो ऑथराइज गेटवे से नहीं होते? कौन सा गेटवे बताइए, आपने आज तक कहीं फ्रॉड हुआ है आपके साथ? मेरे साथ नहीं हुआ है, लेकिन मुझे पता है ना, किसके साथ बताइए, किसके साथ हुआ है फ्रॉड? बहुत हो रहे हैं। और कौन सा फ्रॉड रेजर पे से हुआ है सर? आज की डेट में जो फ्रॉडलेंट लिंक्स यूज करते हैं ना फ्रॉडलेस्टर, वो करते हैं वॉलेट लिंक्स, वॉलेट से भी होते हैं, UPI से होते हैं, आजकल क्रेडिट कार्ड के भी ज्यादा बढ़ गए हैं, रिवॉर्ड पॉइंट के भी ज्यादा बढ़ गए हैं, आप लोगों का यही काम है और क्या है? सुन लीजिए, और कोई दूसरा काम है नहीं, आप ढंग से कोई काम करोगे तो आपको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, ये सब फालतू की किसी गरीब आदमी के पैसे उड़ाओगे क्या फायदा मिलेगा आपको? नहीं, अगर आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है तो जानकारी लेना जरूरी है। हाँ, वो सही, आपको जानकारी होनी चाहिए, किसी पे भी आप किसी भोले भाले आदमियों को चौधू नहीं बना सकते। नहीं, आप बेवजह किसी पे उंगली नहीं उठा सकते, उंगली उठा ही सकते हैं, क्यों नहीं उठा सकते हैं? ये क्या कर रहे हैं, कौन सा कार्ड है ये? जो कोई ऐसा कोई कार्ड होता है आज तक कोई कार्ड नहीं हुआ जो आप आउटलेट पे दिखाओगे डिस्काउंट मिलेगा? कुछ भी चोरी बनाओगे में जाते हैं, अगर आप रिलायंस फ्रेश में जाते हैं शॉपिंग करने के, रिलायंस फ्रेश वाले अपना कार्ड नहीं बनाते, कार्ड रिलायंस बना के देता है और वो रिलायंस के शोरूम में चलता है, ठीक है ना? आपका कौन सा कार्ड है जो आप बना के देते हैं और हर आउटलेट पे चलेगा? और भी कार्ड बनते हैं ना, अगर रिलायंस फ्रेश अपना कार्ड पे डिस्काउंट दे रहा है तो मतलब जिसका रिलायंस अटैच होगा तो उसको डिस्काउंट मिलेगा ना? डिस्काउंट वो भी नहीं देता है, कोई रिलायंस के कार्ड पे डिस्काउंट नहीं देता है, वो जो भी है रिलायंस की शॉपिंग होती है उसके अंदर कुछ छोटे मोटे रिवॉर्ड पॉइंट ऐड होते हैं। रिलायंस के कार्ड पे डिस्काउंट नहीं मिलता सर, नहीं मिलता। रिलायंस में बोलिए भैया मेरा एक कार्ड बना दो जिससे रिलायंस का कार्ड बना दो। हाँ, रिलायंस का कार्ड बनता है उसके अंदर रिवॉर्ड पॉइंट इकट्ठे होते हैं, कोई डिस्काउंट इतना नहीं मिलता, रिवॉर्ड पॉइंट इकट्ठे नहीं होते हैं उसके अंदर। अगर जानकारी ना हो तो मैं कह रहा हूँ जानकारी लेना ठीक है। हाँ, आपको जानकारी होनी चाहिए, ये भोले भाले आदमियों को आप ऐसे चोदू नहीं बना सकते। आपको जानकारी मिल जाएगी, आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप ऐसे मत करो, आपको ज्यादा जानकारी होगी तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ में कुछ भी करोगे, तो वो चीज नहीं करेंगे ना आप। वही तो आपको बता रहा हूँ कि आप ज्यादा पढ़े लिखे हो तो ऐसा नहीं है आप भोली भाली जनता के साथ में कुछ भी करोगे, आपको शर्म आनी चाहिए ये सब ऐसा करते हुए। भोली भाली जनता के साथ में कुछ नहीं कर रहे सर, आपको शर्म आनी चाहिए ये सब चीजों के रिगार्डिंग आप ऐसी बात कर रहे हो और ऐसे ऐसे लोगों को ये